आज दिन की शुरुआत होती है 14,800 फीट पर मौजूद सोमोरेरे के इस बेहतरीन नजारे के साथ, जो मेरे होटल से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे था। ये लेक सोमोरेरे वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व के अंडर आता है और इस वजह से यहाँ कोई भी व्यक्ति टेंट पिच नहीं कर सकता और ना ही इस लेक के किनारे कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है। इस लेक को बुद्धिज्म में सेक्रेट दर्जा दिया गया है। वैसे अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो इस जगह आपको ये क्यूट से मैरमोट्स भी देखने को मिल सकते हैं और सेल्फी लेने के लिए ये अलग अलग पोज भी देते हैं। सोमोरेरे लेक आने के लिए आप लेह से 10,000 रुपए में प्राइवेट टैक्सी कर सकते हैं, जो पूरे 2 दिन तक आपके साथ रहेगी, और शेयर टैक्सी आपको 400 रुपए में कारजोक विलेज ड्रॉप कर देगी। वैसे लेह से इस जगह आने के लिए आप मोटरसाइकिल भी रेंट कर सकते हैं। मेरा प्लान तो था कारजोक विलेज और यहाँ मौजूद 400 साल पुराने इस मॉनेस्ट्री को एक्सप्लोर करने का, लेकिन फिलहाल कुदरत ने मेरा ये प्लान पोस्टपोन कर दिया था। फाइनली मंसूर भाई और उनकी फैमिली को अलविदा बोलकर मैं धन्नो के साथ अपने सामान को इस पिकअप बोलेरो में लोड कर देता हूँ और सोमोरेरे के साथ साथ चलते हुए मैं और कर्मा भाई निकल पड़ते हैं चुमाथांग की ओर, जो यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर था। खबर मिली थी कि इस जगह कोई पंक्चर बनाने वाला मिल जाएगा, लेकिन दोस्त इस पंक्चर खोज यात्रा में एक बवाल ट्विस्ट आने वाला था।